इंडिया में हर दिन एक नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और डेवलपर्स और चैनल पार्टनर्स इतनी सारी मार्केटिंग करते हैं कि एक बेचारा होम बायर कन्फ्यूज हो जाता है कि करना क्या चाहिए। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स क्या डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं और एक प्रोजेक्ट के क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, मतलब प्री लॉन्च क्या है, लॉन्च क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं और एक नियर पोजिशन क्या चीज़ होती है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस हर स्टेज पे घर खरीदने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपना घर खरीदने के टाइम पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट उसके पहले समझते हैं एक फैक्ट कि इंडिया में हर किसी का सपना है कि अपना एक घर हो, बट जब वो चेक देने का टाइम आता है तो सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है और डेवलपर्स इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ये अर्जेंसी क्रिएट होती है बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब अगर आज ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो दोबारा आप ये घर नहीं ले पाओगे। और इसी फियर को क्रिएट करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है प्री लॉन्च। डेवलपर जब सबसे पहली बार अपना प्रोजेक्ट कस्टमर्स के लिए ओपन करता है तो उसे प्री लॉन्च कहते हैं। प्री लॉन्च स्टेज पर यूजुअली डेवलपर कोई मार्केटिंग नहीं करता, वो एक सिंपल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे सर्कुलेट करता है सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में, वो लोग जिन्होंने उसके किसी और प्रोजेक्ट के अंदर घर खरीदा था या फिर विजिट किया था। दूसरा, अपने नेटवर्क ऑफ चैनल पार्टनर्स में, ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन आगे अपने रेफरेंस क्लाइंट्स के साथ में शेयर कर सकें। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेसिक होती है नेचर में, जैसे कि टोटल लैंड पार्सल कितना है, उसमें कितने यूनिट्स आने वाले हैं, कितने टावर्स आने वाले हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, कितने साइजेस होंगे उसके अंदर और क्या उसका एक अप्रॉक्सीमेटली बॉल पार्क प्राइस होगा। तो बेसिकली डेवलपर इस स्टेज पे ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होने वाला है अगले 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में, और अगर आप मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, आपको मेरे पे फेथ है, तो आप मुझे एक EOI दे सकते हो। EOI मतलब एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड टू बाय अ यूनिट इन माई प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि एक प्री लॉन्च स्टेज मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे लोएस्ट प्राइस आज ही मिलेगा, इसके बाद में ये सेम प्राइस दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो हर कोई इसी प्राइस पॉइंट पे एंटर करना चाहता है। दूसरा, डेवलपर्स इसको यूज़ करते हैं अर्जेंसी क्रिएट करने में कि आप प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करोगे तो आपको लोएस्ट मिलेगा, जैसे ही लॉन्च आएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, और वो मैक्सिमम सेल्स करने के लिए ये अर्जेंसी किसको पुश करते हैं, अपने रेफरेंस क्लाइंट्स को। क्यों? उनको ऑलरेडी थोड़ा सा फेथ है उस डेवलपर पे, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई ना कोई उनका प्रोजेक्ट खरीद चुके हैं या फिर विजिट कर चुके हैं। सो दैट इज़ हाउ दे क्रिएट अर्जेंसी। अब हाउ डू दीज डेवलपर्स एग्जीक्यूट दिस अर्जेंसी? सिंपल, बाय EOI। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल, मतलब आप बेसिकली क्यू में खड़े हैं अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देके, और जब भी ये प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स रिलीज होंगी तो आपके पास सबसे पहला चॉइस होगा बेस्ड ऑन कि आप वो क्यू में कहाँ खड़े हैं, टू चूज़ कि आपको कौन सा यूनिट चाहिए, तो क्या फ्लोर चाहिए, क्या फेसिंग चाहिए। और अगर आपको आपके पसंद का यूनिट नहीं मिल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने EOI को कैंसिल कर सकते हो और आपको पूरा पैसा आपका रिफंड आ जाएगा विद इन दैट 30-60 डेज, जो भी वो कंपनी का नॉर्म होगा। तो इट्स बेसिकली अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ बायर एंड सेलर। सेलर को ये है कि EOI के बेसिस पे उसके ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाते हैं और काफ़ी सारी बुकिंग हो जाती है, और बायर के लिए ऑफकोर्स कि उसके पास एक ऑप्शन है कि वो क्या चूज़ करना चाहेगा, दूसरा उसको सबसे लोएस्ट प्राइस मिल रहा है, तीसरा अगर उसको नहीं पसंद आया तो ऑफकोर्स कैंसिल करके अपने पूरे पैसे वापस भी ले सकता है। सो नाउ हु आर दी बायर्स एट दिस स्टेज? तो यूजुअली प्री लॉन्च में आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एंड यूजर्स इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि प्रोजेक्ट की आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है अभी प्री लॉन्च स्टेज पे। तो एंड यूजर आर नॉट यूजली वेरी कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट विदाउट नोइंग कि मेरे को क्या साइज़ है, क्या प्राइस है, क्या मास्टर प्लान है, तो यूजली वो इतनी जल्दी डिसीजन ले ही नहीं पाते। सो नाउ व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व एट इन्वेस्टिंग इन टू प्री लॉन्च स्टेज? तो सबसे पहला तो ये है कि देखिए, प्री लॉन्च वो 15 दिन का है कि 1 महीने का है कि 2 महीने का है, तो वो वेटिंग पीरियड कितना होने वाला है, और उसके बाद में अगर मेरे को वो यूनिट पसंद नहीं आया और अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे उसके बाद में और 1 से 2 महीने बाद मेरे पैसे आएंगे, मतलब मैंने जो इनिशियली अपना पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में, वो कहीं ना कहीं 3 से 5 महीने के लिए स्टकअप हो सकते हैं। बट उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो 2-3 महीने का पीरियड मुझे वेट करना पड़ा है वो लॉन्च तक का,
उसके बीच में शायद मेरे हाथ से कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाए। दूसरा, एक रेरा का गाइडलाइन क्या बोलता है कि अ डेवलपर कैन नॉट एडवर्टाइज, ही कैन नॉट सेल, बिल्ड, इन्वेस्ट और बुक अ प्लॉट विदाउट रजिस्टरिंग दिस इंटायर प्रोजेक्ट विद द रेगुलेटर, राइट? मतलब बिना रेरा अप्रूवल के कोई भी आदमी ना एडवर्टाइज कर सकता ना बेच सकता है। ये पूरा नॉर्म महाराष्ट्र कर्नाटका में तो बहुत ढंग से फॉलो होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन हरियाणा, इन यूपी, इफ़ यू सी, देर आर स्टिल फ्यू डेवलपर्स, ज़्यादा तो नहीं बट अभी भी कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो रेरा अप्लाई करने के बाद और एक्चुअली रेरा लाइसेंस आने के पहले ऑलरेडी प्री लॉन्च करना चालू कर देते हैं, ईओआई कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि रेरा में कभी कभी आपकी फाइल जाने के बाद अप्रूवल आने में 3, 4, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो अगर ये ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया तो आप समझिए कि आपको रेरा लाइसेंस आने के बाद में, रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पोजेशन मिलने में 4 से 5 साल लगते हैं, और उसके पहले आपने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब इट विल टेक यू 4.5-5 ईयर्स टू गेट योर प्रोजेक्ट इन हैंड। तो आपका पैसा काफ़ी लंबे समय तक फंस जाता है। दूसरा, जो रेरा की कभी कभी क्या है कि वो प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस बोलते हैं, तो वॉट एवर मे बी कम्युनिकेटेड टू यू वो सेम ना हो जब रेरा का अप्रूवल आ जाए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर हो। प्लस दिस इज़ स्लाइटली इलीगल एंड इसके अंदर आपको रिस्क बहुत बड़ा है कि वो 6 महीने जब तक आप वहाँ पे फंसे हुए हो तब तक शायद मार्केट चेंज हो जाए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाए और आपको कहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाए। तो बी वेरी केयरफुल, अगर रेरा नहीं है तो प्लीज़ ना बुकिंग कराइए ना ईओआई दीजिए, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो क्या प्री लॉन्च पे घर खरीदना चाहिए? तो अगर डेवलपर का ब्रांड अच्छा है, उसका पुराना काम अच्छा है और प्लस रेरा सर्टिफिकेट आ चुका है और आपके पास 4-5 साल का वेटिंग पीरियड है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिल सकता है। इसके बाद आता है लॉन्च फेज। अब डेवलपर की ये प्रायोरिटी होती है कि जितने भी ईओआई कलेक्ट हुए थे प्री लॉन्च स्टेज के अंदर उसमें से कोई भी कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि प्री लॉन्च लेवल पे जो भी प्राइस आपको कमिट किया था तो जो भी लॉन्च टाइम पे वो प्राइस निकालेंगे वो उससे थोड़ा सा कम होगा। मतलब अगर प्री लॉन्च में 22,000 रुपये स्क्वायर फीट प्राइस कमिट किया था तो लॉन्च स्टेज पे जो प्राइस निकाला जाएगा वो होगा 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब क्योंकि ले जिसने ईओआई दिया था उसका माइंडसेट ऑलरेडी 22,000 रुपये पे सेट है, तो थोड़ा सस्ता आने की वजह से यूजुअली वो अपना यूनिट कैंसिल नहीं करेंगे। और अगर उनको वो अपना पसंद का यूनिट ना भी मिले तो भी बोलेंगे कि प्राइस तो बहुत बढ़िया आया है, लेट्स टेक इट, तो इस वजह से उनके कैंसिलेशन थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरा, लॉन्च स्टेज पे डेवलपर फुल फ्लेजेड मार्केटिंग शुरू कर देता है, मतलब आपको हर जगह पे न्यूज़पेपर ऐड, रेडियो, टीवी, डिजिटल मीडियम पे, हर जगह पे आपको पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिलना चालू हो जाएंगे। प्लस आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऑफर्स आना चालू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब डेवलपर क्रिएट करता है अपनी सेकेंड अर्जेंसी। सेकेंड अर्जेंसी क्या है कि दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ प्री लॉन्च प्राइजेस, अगर आपने अभी नहीं लिया तो ये 20,000 रुपये इंक्रीज़ होके 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच जाएगा। एंड दे ऑल्सो प्रमोट अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑफर्स सच एज़ कि एक गोल्ड कॉइन फ्री है, एक ऑस्ट्रेलियन ट्रिप फ्री है, फ्री एसी, फ्री मॉड्यूलर किचन। सो ओवरऑल एक अर्जेंसी क्रिएट होती है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये भी मिस आउट हो जाएंगे, यूनिट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे प्री लॉन्च को और लॉन्च को, तो आज की रेट में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो प्राइस का डिफरेंस है ना कि प्री लॉन्च में जो था और लॉन्च में, आफ्टर ऑल दी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स वो सब कम करने के बाद में वो डिफरेंस बहुत ही कम बचा है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो लोकेशन कुछ ऐसी है कि जो बहुत ही बढ़िया है, तो ये शायद डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है। अदरवाइज ये प्री लॉन्च स्टेज पर अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो लॉन्च स्टेज पे थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब लॉन्च स्टेज पे कौन है जो सबसे ज़्यादा परचेस करते हैं? दिस इज़ वेयर योर एंड यूजर्स बाय द मैक्सिमम प्रॉपर्टी। रीज़न, अब उनको सारी चीज़ें आ चुकी हैं, प्रोजेक्ट का लेआउट है, मास्टर प्लान है, हर चीज़ अवेलेबल है रेडीली एंड दे आर नाउ वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ आई कैन इन्वेस्ट इन टू दिस। सो दिस इज द स्टेज वेयर अ लॉट ऑफ एंड यूजर्स वुड स्टार्ट एंटरिंग इन टू द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसके बाद आती है आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज। तो हर डेवलपर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्री लॉन्च और लॉन्च पीरियड में एक कम से कम 20 से 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट अपना बेच दे, ताकि उसके पास फंड्स की कोई इशू ना आए आगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अब ये जो भी लॉन्च के बाद का जो पीरियड है, जब तक ओसी नहीं आता उस पूरे पीरियड को बोलते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन।
नाउ लॉन्च के बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के इस पूरे अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो 3-4 साल का है, यूजुअली प्राइजेस बहुत ही स्टेबल होते हैं, और वो प्राइजेस में जो भी फ्लक्चुएशन आता है वो एक्सटर्नल रीजंस के वजह से आता है, वो इसके वजह से नहीं आता कि डेवलपर ने कुछ ग्रेट कर दिया या कुछ नया हो रहा है। अब एक्सटर्नल रीजंस क्या है जो इस प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई मैं लार्जर मैक्रो लेवल चीज़ों की बात करूँ तो दैट इज़ दी इकोनॉमी में ओवरऑल बूम है कि इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, बैंक के इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, होम लोन का इंटरेस्ट रेट कैसा है, प्लस वो स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई प्रपोज हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पहले से प्रपोज हुआ था क्या वो अभी कंप्लीशन स्टेज पे पहुंच गया है, क्या मतलब इसका इंफ्रा अभी अच्छा हो जाएगा, वो लोकेलिटी अब रहने लायक हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो ये जो एक्सटर्नल रीजंस है यही उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेल्स ड्राइव करते हैं। तो प्राइस इकोनॉमिक फैक्टर्स और अदर फैक्टर्स से ज़्यादा इफेक्ट करेगा रादर देन प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है उसकी वजह से। अब नेक्स्ट स्टेज है नियर पोजेशन, मतलब बिल्डर ने ओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, अगले 2-3 महीने में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाएगा और बिल्डर आपको वो रहने लायक पोजेशन दे देगा अगले 4 से 5 महीने में। अब कोई भी बिल्डर नहीं चाहता कि उसकी पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाए और उसमें कुछ यूनिट्स अभी भी बचे हों, तो अब वो अपना फाइनल पुश लगा देगा और अर्जेंसी क्रिएट करेगा कि दिस इज़ नाउ और नेवर, एक बार ये प्रोजेक्ट का मैंने पोजीशन दे दिया तो इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपके पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है घर खरीदने की, तो दिस इज़ वेयर दे विल रोल आउट अ लॉट ऑफ ऑफर्स, डिस्काउंट्स, एवरीथिंग वुड बी कमिंग आउट, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी एज एन एंड यूज़र, क्योंकि लिए आपको आपके सामने दिख रहा है कि प्रोडक्ट कैसा बना है, आपको अगल बगल में इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये मेरे रहने लायक है या नहीं है, तो यू कैन क्लियरली डिसाइड कि शुड आई बाय और शुड आई नॉट बाय। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेज टू बाय एनी प्रॉपर्टी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट, और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है एट अ डिफरेंट स्टेज और एनी थिंग अबाउट अ मार्केटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम अ डेवलपर, तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप जेन्युइनली बहुत सीरियस हो रियल इस्टेट पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, रियल इस्टेट को सीखने के लिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम रियल एस्टेट पे इसी तरीके से नॉलेज बेस्ड वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, हैव फन।